विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन वेटनरी यूनिवर्सिटी पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सीकर व बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। माचाड़ी रेहणी अलवर रावतबाटा बेगू चित्तौड़गढ़ तारानगर चूरू दूसरा धौलपुर मोरिमाबाद सुदू जयपुर का एवं हिंडौन गरौली में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौनपुर जयपुर के अंतर्गत दुर्गापुरा जयपुर उद्यानी की महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नौका बीकानेर नवलगढ़ झुंझुनू में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्य खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध हो सके, ये हेतु तो जहां हमने एक और कृषि ऊर्जा और सब्सिडी लगातार बढ़ाते हुए बिजली की दरों को 90 पैसे प्रति यूनिट पर रखा, वही अन्नदाता किसान भाइयों को अतिरिक्त राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी गई। इस प्रकार लगभग 20,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय कर 15,71,000 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है इन योजनाओं को और आगे जारी रखने के साथ ही अब मैं आगामी वर्ष से 2,000 यूनिट प्रतिमा का उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली प्रतिमा तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। खेती के लिए पर्याप्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। किसान भाइयों के हितों को ध्यान रखते हुए आगामी 20 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शनों को 2 वर्ष में जारी करने की घोषणा की थी। बकाया विद्युत कनेक्शनों के साथ ही नए प्रार्थना पत्रों को शामिल करते हुए इस वर्ष 23 मार्च तक लगभग 1,15,000 विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। आगामी वर्ष 1,50,000 उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना प्रस्तावित है। कृषि ऋण, अध्यक्ष महोदय, किसान साथियों विशेषकर लघु सीमांत कृषक लैंडलेस लेबरर तथा विकट सेक्शन के किसानों को परिस्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इनके परेशानी का सामना करने पर स्थायी समाधान के रूप में ऋण भार में राहत देने